हरे कृष्णा माता जी हरा हरे कृष्णा माता जी कैसे जी और सभी का स्वागत है सेशन में हरे कृष्णा बिंदु माता जी हरे कृष्णा माता जी सॉरी मैंने बस... भी आपको बहुत परेशान किया कोई बात नहीं माता जी कोई बात नहीं मोस्ट वेलकम तो माता जी अभी आप बताइए जो नई न्यू आए हैं यहाँ पे उनको कि ये क्या है सेशन के बारे में और आज हम कौन सा सेशन लेंगे और लास्ट जो भी हुआ था एक बार उसका रिकैप थोड़ा सा दे दीजिए क्या हमने लिया था थोड़ा बहुत है ना ठीक है माता जी आप कंटिन्यू कीजिए हरे कृष्णा माताजी माताजी आज का सेशन जो है बहुत ही बेसिक सेशन है जो हम सबको पता होना चाहिए बिकॉज जो एकादशी है वो माधव की तिथि कहलाती है माधव तिथि इसलिए क्योंकि भगवान माधव के नाम से जाने जाते हैं और ये तिथि भगवान को अति प्रिय है तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए जो लोग जो भक्त एकादशी व्रत का पालन नहीं करते वो अवश्य एकादशी रखें बिकॉज ये तिथि भगवान को अति प्रिय है और इस तिथि को करने से बहुत सारे लाभ मिलेंगे जो माता जी अपने ग्रुप में डिस्कस भी करेंगे अपने सेशन में जिसमें से बेसिक यही है जो हम सब चाहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा तो ये स्थिति का महात्म है कि सब हम सब चाहते हैं कि हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकें इसलिए हम सबको एकादशी का पालन करना चाहिए और जो लास्ट सेशन था हमारा वो भी बहुत ही बेसिक था हम सब ने अपने घर में लड्डू गोपाल या नित्यानंद प्रभु गौरांग प्रभु किसी न किसी रूप में हमने भगवान कृष्ण को अपने घर में रखा हुआ है तो हम जब भी कुछ खाते हैं भगवत गीता में भी कहा गया है कि अगर हम बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खा रहे हैं तो समझिए हम पाप खा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हम पाप ना खाएं इसलिए हम जब भी कुछ अपने घर में बनाते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए भगवान को हमें भोग देना चाहिए फिर वो प्रसाद हमारे तक वापस पहुंचता है और हम सबको सब परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और अपने आध्यात्मिक जीवन को और आगे बढ़ाना चाहिए तो लास्ट का जो सेशन माताजी ने लिया था वो बहुत ही बेसिक था जो हम सबको पता होना चाहिए कि हमें अपने घर में हरे किशन माता जी तो जैसे बिंदु माता जी ने बताया कि हमने ये वैष्णवी केयर संगा फीमेल्स के लिए स्टार्ट किया है कि जिसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं क्वेरीज रहते हैं फीमेल्स को स्पेशली नहीं पूछ पाते हैं प्रभु जी से कि क्या करना चाहिए कब क्या करना चाहिए तो स्पेशली यहाँ पे ये सेशन लिया मतलब हम कंडक्ट कर रहे हैं जिससे कि जो भी आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मतलब जो भी हम फास्टिंग रखते हैं या भोग लगाते हैं और भी बहुत सारे आगे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे तो महीने में एक बार हम ये सेशन लेते हैं तो पिछले महीने हमने लिया था मार्च में तो अभी हम इस महीने ले रहे हैं तो इसलिए हम लेते हैं ताकि आप लोग के जो भी कंफ्यूजन है हम उसको सॉल्व कर सके मतलब हम ट्राई कर सकते हैं और जो भी जो भी चीजें बताएं जो भी शास्त्रों में बताया है और जो हमने सीखा है प्रोपात के टीचिंग से उसके बेस पे हम बताते हैं हमारा खुद का कंकॉक्शन नहीं रहता कि हम अपने कंकॉक्शन से बताएं तो ये हमने इसलिए स्टार्ट किया है तो आज का सेशन है कि हम कैसे एकादशी पास्ट सक्सेसफुली कर सकते हैं तो अभी इसी के साथ मैं ये सेशन स्टार्ट करूंगी बिना टाइम को गवाए हुए और जो भी नए आए हैं उनका इस सेशन में स्वागत है तो आप प्लीज़ बने रहिए एंड तक क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेशन तो स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने बताया जो भी हम बताएंगे वो प्रभुपात की टीचिंग्स जो हमारे आचार्य हैं हम ब्रह्म माधव गौरव संप्रदाय से बिलोंग करते हैं तो उनकी टीचिंग्स के द्वारा ही हम बताएंगे जो भी बताएंगे तो उसके द्वारा ही हम आपको जो भी हमने सीखा है वो आपको थोड़ा बहुत हम अपना शेयर करेंगे एक्सपीरियंस तो अभी हम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले हम

जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री आदि गोविन्द भक्तौ गोविन्द वन्दे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा तो आज स्टार्ट करने से पहले हम फास्ट एकादशी फास्टिंग की हम बात कर रहे हैं तो एकादशी फास्टिंग एक टाइप का क्या है तपस्या ऑस्टेरिटी जो हम करते हैं अपनी लाइफ में क्योंकि तपस्या हम अपने जो रोज रोज की जिंदगी से निकल के हम एक एक दिन हम भगवान के लिए ऑस्टेरिटी करते तपस्या करते हैं तो अभी हम सीखेंगे तपस्या होता क्या है किस टाइप कितने टाइप्स की तपस्या होती है कैसे तपस्या आप कर सकते हैं पहले हम उन उसके बारे में थोड़ा बेसिक्स जानेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हम क्यों एकादशी करते हैं और क्यों करना इंपॉर्टेंट है तो ओके okay. तो तपस्या तपस्या क्यों इम्पोर्टेंट है तो वाय वन मिनट Okay. So जिंदगी में तपस्या क्यों होनी चाहिए क्यों important है तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे तो सब दो पॉइंट प्रोपात बताते ये प्रोपात की टीचिंग हमने मैंने निकाला है तो दो पॉइंट प्रोपात बताते हैं एक होता है पहला होता है टू एक्सेप्ट inconveniences for higher purposes and voluntary acceptance of some inconvenience मतलब इसका मतलब क्या hua एक होता है किसी higher purpose की वजह से आप अपनी life में दिक्कतें जो भी problems hai जो भी आपको जो आपकी आपको वो पसंद नहीं है फिर भी आप वो करते हो आपकी बॉडी के लिए वो आप नहीं कर पा रहे हो तब भी आप करते हो क्योंकि आपके लाइफ में बहुत बड़ा पर्पज होता है इसको करने का एक वो होता है और एक होता है तपस्या की होता है लाइफ में एक होता है आप खुद से कर रहे हो है हाँ ना तो खुद से एक होता है कि आप हायर पर्प के लिए कर रहे हो लेकिन एक कोई आपको ऐसे फोर्स नहीं कर रहा है लेकिन आप अपनी मर्जी से अपनी खुशी से उस चीज को अपना रहे हो अपनी लाइफ में तो ये क्यों करते हैं हम ज्यादातर क्यों करते हैं लाइफ में एक होता है फर्स्ट पॉइंट प्रभात बताते हैं कि हमारा जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन हम लोग जो हम अपने लाइफ में जो जी रहे हैं लाइफ अभी स्पिरिचुअलिटी में आकर हम लोग अभी सब सभी लोग अब ज्वाइन किए हैं ये भी एक टाइप का तपस्या है आप अपने आप अपना जो भी रूटीन है उसके बीच में आप ये एक पॉइंट निकाल कर आप एक कुछ समय निकाल के आपने अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए समय दिया उस डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए डेवलप करने के लिए आप इस सेशन में आए ठीक है तो पै, और दूसरा होता है टू रेगुलेट एंड मॉडरेट वंस वंस एंड वंस लाइफ तो मतलब क्या है कि आप अपने लाइफ में क्या करेंगे कि आप एक होता है कि आप कभी भी सो कभी भी उठो कभी भी खाओ कभी भी पियो नहीं हम तपस्या क्यों करते हैं ताकि हमारा लाइफ रेगुलेट हो जाए रेगुलेट कैसे हो सकता है कि सब चीज का एक समय हो कब क्या करना है कैसे करना है क्यों करना है ये एक रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ एक और फिर टू प्योरीफाई द बॉडी एंड माइंड लाइफ में अगर तपस्या रहेगी तो क्या होगा हमारा जो बॉडी है और हमारा जो माइंड है वो दोनों ही प्यूरिफाई होगा ठीक है फिर उसके बाद मेंटल पीस के लिए भी हम वो करते हैं तपस्या अगर आप तपस्या आप आप, आप देखोगे कि को, कोई भी टाइप का तपस्या जो भी भगवान के लिए आप कर रहे हो आपको ना उसपे ना मानसिक मा, आपको अपना मेंटली आप बहुत पीसफुल रहोगे आप बहुत जैसे आप बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं बहुत सारे उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स है बहुत कुछ होता है स्पेशली माता जी फीमेल्स के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आता है उनके उनका तो एक तो फिजिकल प्रॉब्लम तो आता ही है मेंटली भी उनको डील करना पड़ता है अपनी फैमिली से बच्चों से और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है तो उस चीज को पीसफुल करने के लिए अगर हम तप, तपस्या करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो डेवलप होगा हमारे लाइफ में हमारा जो विल पावर है उसको हमारे विल पावर को बढ़ाने के लिए हम तपस्या करते हैं हम अपनी मेच्योरिटी को बढ़ाने मेच्योरिटी मीन्स वर्ड मेच्योरिटी मीन्स ये नहीं है कि हम बड़े हम तो सब बड़े हैं बाई एज वी आर वेरी ओल्ड बट हमारा जो मेंटली हम वो उससे मेच्योर नहीं है मेच्योर कैसे होंगे हम मेच्योर मतलब होता है कि कब किस पे गुस्सा करना कब किस पे Uh, किससे कैसे बात करना कैसे हमें रहना तो हम मच्योरिटी सीखेंगे कि कैसे अगर ये आप तपस्या करेंगे लाइफ में अगर लाइफ में थोड़ा सा इनकन्वीनियंसेस आप अपने लाइफ में लाएंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर मच्योरिटी डेवलप होगी एज से नहीं मेच्यूरिटी आती है मेच्योरिटी आती है जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं उस चीज के लिए ठीक है तो फिर आता है हमारा टू रिमूव अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी है ना अभी हमारे लाइफ मेंटेड लाइफ अपने आप को बनाते हैं हमारा लाइफ हमारे लाइफ में हम अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हैं कि ये ये करना है ऐसे करना है इस टाइम पे ये करना है वो करना है बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग सब करते हैं बट दैट इज नॉट गुड अगर आप तपस्या करोगे तो आपको समझ आएगा कि हमें अननेसेसरी जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो कैसे उसको आप हटाओगे अपने लाइफ से ठीक है तो ये हम अपने इसलिए तपस्या हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है अगर आप ये चीज अपने लाइफ में उतारना चाहते हो डेवलप करना चाहते हो तो आप इस चीज को अपने लाइफ में उतार सकते हो तपस्या करके तो आपने सीख लिया तपस्या क्यों इम्पॉर्टेंट है तपस्या मतलब होता है ऑस्टेरिटी तो इस अब आएगा भगवत गीता के सेवेंटीन सेवेंटीन चैप्टर मिनट हाँ सेवनटीन चैप्टर गीता के सेवनटीन चैप्टर के फोर्टीन टू नाइनटीन श्लोक में कृष्णा बताते हैं Austerity, आप तीन टाइप से कर सकते हैं अपने लाइफ में उतार सकते हो तीन टाइप थ्री टाइप से तो व्हाट आर द थ्री टाइप्स एक होता है बॉडी से आप तपस्या कर सकते हो एक होता है स्पीच से मतलब वाणी से तपस्या मतलब एक शरीर से आप तपस्या कर सकते हो एक वाणी से और एक माइंड से ठीक है तो One minute, what happened? मैं हाँ, तो नहीं आ रही। अभी आ रही? Sorry, हरी कृष्ण हरी कृष्ण हाँ।, हाँ बॉडी से कैसे आप तपस्या तो कर सकते हो? भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता के सत्रह चैप्टर चौदह से लेकर उन्नीस श्लोक में उसमें भगवान बताते हैं बॉडी से आप तपस्या ऐसी कर सकते हो अभी ये जो भी तपस्या बताए हैं भगवान ये अपने मन धरक मतलब अपने मन से नहीं करना जो भगवान बता रहे हैं उस तरीके से हम, हमें तपस्या करना है अभी मैंने आपको बताया कि तपस्या क्यों इंपॉर्टेंट है अब ऐसा इस, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन से कुछ भी तपस्या कर रहे हैं नहीं जो भगवान शास्त्र और गुरु बताते हैं उसको फॉलो करते हुए हमें तपस्या करना है तो बॉडी से कैसे तपस्या कर सकते हैं हम भगवान की सेवा कर सकते हैं ब्राह्मण्स की सेवा कर सकते हैं स्पिरिचुअल मास्टर की सेवा कर सकते हैं हमसे जो सुपीरियर हमसे जो बड़े हैं उनकी सेवा कर सकते हैं, जैसे हमारे माता पिता उनकी सेवा कर सकते हैं अपने बॉडी को हम क्लीन रख सकते हैं ताकि हम भगवान की सेवा कर सके अपनी बॉडी को सिंपलिसिटी अब सिंप्लिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माताजीज सॉरी सॉरी टू से माताजीज कि इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हमें तैयार कैसे होना हमें कैसे रेडी होना तो स्पेशली जो माता जी फीमेल्स होती हैं उनके माइंड में बहुत सारा मेंटल कंकॉप्शन आता है कि अगर हम बहुत सारा आ, बहुत कुछ मेकअप कर लें बहुत कुछ ये कर लें तो हम बहुत सुंदर लगेंगे हाँ वैसे लगेंगे लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं हमें लाइफ में सिंप्लिसिटी होना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि हमें रेडी नहीं होना एज ए जो जो भी आ, जो भी मैरिड मैरिड गर्ल्स होती हैं वो रेडी होती हैं बट ओवर ओवर चीजें नहीं करना है हमें कैसे आप रेडी हो सकते हैं जो भी आपके आपके जो भी रिचुअल्स में फॉलो किया जाता है बैंगल्स पहनना बिंदी लगाना जो भी है लेकिन उसके लिए इसके लिए नहीं आप दिन पूरे दिन आप एकदम रेडी रखे अपने आप को बहुत ओवर uh, मेकअप करके रखे ओवर ओवर रेडी होके रखे नहीं वो नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवान बता रहे हैं हमें अपनी बॉडी को सिंप्लिसिटी में रखना है जितना आप सिंपल रख सको वो भी एक तपस्या है क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा करना बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि आज के टाइम पे बहुत कुछ निकला हुआ है ये आ, ये माइक्रो ब्लीडिंग करा दो फिर ये आ, बहुत सारा कुछ माता जी इसके लिए बहुत सारा है ये एक्सट्रैक्शन ये तो ये सब चीज से बचकर अगर हम अपनी लाइफ में अपने आप को सिंप्लिसिटी करके रख रहे हैं बॉडी को तो भी वो एक टाइप का तपस्या है ये भगवान कहते हैं सेलिब्रेसी मींस होता है कि आप अपनी लाइफ में कैसे जो भी संभोग करते हैं हम है ना तो वो संभोग ना करके आप पूरी तरह कंट्रोल तो कर नहीं सकते तो उसका एक ही तरीका है जब कोई फेस्टिवल आता है स्पेशली एकादशी आती है एकादशी के समय और जो भी भगवान का जन्म होता है और गुरु गुरु का जन्म होता है या गुरु का अविवार दिवस होता है तो उस उस समय पे आप क्या कर सकते हैं कि उस समय पे आप कोशिश करें कि आप अपने जो हस्बैंड है उनसे संभोग ना बनाए क्योंकि वो भी एक टाइप का तपस्या है और उससे क्या होता है हमारा जो बॉडी है और हमारा माइंड है वो प्योरिफाई होता है नॉन वायलेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कलयुग में नॉन वायलेंस रहना इज लाइक वन टाइप ऑफ तपस्या क्यों क्योंकि तो नॉन वायलेंस नहीं रह पाते हैं हम कैसे नहीं रह पा सकते कि जितना भी गांधी जी ने बताया कि नॉन वायलेंस रहो ये करो वो करो नहीं अगर हम अगर हम नॉन वायलेंस रहना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें हम हमने हमें एकदम पॉज लेना पड़ेगा पॉज लेकर सोचना पड़ेगा अगर किसी से कुछ प्रॉब्लम है किसी लाइफ में किसी से दिक्कतें हैं अगर हम उस समय चुप हो जाए शांत हो जाए तो वो भी एक टाइप का नॉन वायलेंस ही है मन में गुस्सा तो रहता है ये वो चेंज हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एक नेचर रहता है और नेचर को चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट है अगर आप धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तब वो चेंज होता है नेचर भगवान की कृपा से तो इसलिए आपको ये नॉन वायलेंस अपनी लाइफ में उतारना है ठीक है अब आता है वाणी से कैसे आप भगवान की तपस्या कर सकते हैं तो वाणी से आप सच बोल सकते हो सच बोलना कलयुग में बहुत बड़ा तपस्या है क्योंकि सच इंसान बोल नहीं पाता कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम भी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी हमने कभी झूठ नहीं बोला सबने कहीं ना कहीं कभी छोटे से बचपन से स्कूल में स्कूल में मम्मी पापा को सबको किसी ना किसी को झूठ तो बोला ही है वो क्योंकि हम लोग कल कलयुग में है कल कलयुग में क्या होता है कि लोग सच नहीं बोल पाते हैं तो अगर इस कलयुग में रहकर और इस माहौल में रहकर अगर आप सच बोल रहे हो तो वो भी एक तपस्या है ठीक है तो ये अगर आप करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब आता है प्लीजिंग आप प्लीजिंग वर्ड कैसे आप दूसरों को बोले अब आता है बहुत प्लीजिंग और ये दूसरा जो है बेनिफिशियल ये दोनों को मैं एक पॉइंट एक एग्जाम्पल दूंगी इसमें कि अभी क्या आता है कि हमें किसी को भी कुछ बोलना है तो वो प्लीजिंग रहना मतलब वो उनको अच्छा लगे वो उनको परेशान ना करे उससे वो एजिटेट ना हो वैसे शब्द में हमें लोगों से बात करना है तो अभी क्या आता है कि बहुत सारे लोग आज के टाइम पे करते हैं ऐसा कि बहुत प्लीजिंग वर्ड्स बोलते हैं बहुत मक्खन भी लगाते हैं बहुत आ, बहुत अच्छे से बात करते हैं बहुत उनको आ, उनको बहुत अच्छे से बोलते हैं लेकिन वो क्या होता है अपनी बेनिफिट के लिए हमें ऐसा नहीं करना है हमें दूसरों के बेनिफिट के लिए हम ऐसे शब्द में बात करें जो कि बहुत अच्छे से शब्द में बोले लेकिन उनके लिए वो जैसे अगर अगर आपको किसी को बताना है बक, स्पेशली भक्ति के बारे में किसी को बताना है कि आपको भक्ति करना है तो आपको आ रहे तुम तो पापी हो तुम तो नहीं करते हो तुम तो भक्ति नहीं कर रहे हो तुम तो पाप खा रहे हो तुम तो ये हो अगर कोई भोग नहीं लगाता है तो उसको ये ऐसे नहीं बोल ऐसे उसको हर्ट होगा और वो, वो सोचेगा ये सब भक्ति भक्ति कुछ नहीं जो भी भक्ति में आता है वो ऐसा ही बनता है तो हमें ऐसे शब्द में बात नहीं करना है किसी से हमें इस तरीके से बात करना है जिस तरीके से उनको प्लीज भी हो उसको सुन के उनको बहुत अच्छा लगे और उसके और ऐसा भी हो कि वो उसके उनके लिए बेनिफिशियल हो उनके फायदे के लिए आप बोल रहे हो उनके बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं ना कि अपने खुद के फायदे के लिए आप उनको प्लीज कर रहे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए और दूसरा वाणी से क्या तपस्या कर सकते हो आप रोज भगवान का लिटरेचर पढ़ सकते हो भगवान की जो पुस्तकें हैं वो पढ़ सकते हो जैसे भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरित्रा में ये सब आप रोज पढ़ के एक टाइप ये तपस्या कर सकते हो तो अब आता है माइंड से कैसे हम तपस्या कर सकते हैं तो माइंड से कैसे कर सकते हैं कि हम अपने माइंड को सेटिस्फाई कर सकते हैं अब बोलते हैं कि माइंड को, को कैसे सेटिस्फाई किया जाए माइंड को सेटिस्फाई ऐसे किया जाएगा कि आपको भी पता है कि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डिजायर्स रहते हैं कि मुझे ये भी लाइफ में चाहिए वो भी चाहिए बहुत सारा टक 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 बहुत सारे लाइफ में उनके डिजायर्स रहते हैं वो उसको पूरा करने के लिए पूरा अपनी लाइफ पूरा बिता देते हैं कि मैं इस इस एज तक आऊंगा तो मुझे ये चाहिए इस एज तक आऊंगा तो वो चाहिए मेहनत करते हैं लेकिन ओवर मेहनत इज नॉट गुड मेहनत कर सकते हैं आपको अगर किस बहुत एक घर चाहिए रहने के लिए ठीक है एक घर चाहिए लेकिन कभी कभी किसी के मन में आता है कि चलो एक घर आ गया तो चलो दो ले लेते हैं चलो तीन ले लेते हैं क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं रह पाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं बहुत गधों की तरह मेहनत करेंगे लाइफ पूरे दिन मेहनत करते रहेंगे कि हमें तीन चार तो घर बनाना है तो उससे वो सैटिस्फेक्शन तो उनको कभी नहीं मिलेगा लेकिन उससे वो डिस्टर्ब भी रहते हैं फिर उसके बाद डिस्टर्बेंस में आके वो गलत काम करते हैं फिर उसके बाद अल्कोहल लेते हैं फिर उसके बाद गलत चीजों से एसोसिएशन करने लग जाते क्यों क्योंकि उनका कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं तो इसीलिए हमें जितनी हमारी जरूरत है जितना भगवान ने हमें दिया है उससे डिजायर रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए माइंड माइंड को सिंप्लिसिटी रखना है माइंड को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए माइंड को परेशान नहीं करना है कि ये भी करना है ये भी करना है लाइफ में ये भी करना है वो भी करना है बुढ़ापे तक आते आते मेरा ये सब कुछ हो जाना चाहिए नहीं ग्रेविटी सेल्फ सेल्फ कंट्रोल हमारा जो माइंड है पहले तो सेल्फ कंट्रोल रहना चाहिए सेल्फ कंट्रोल मतलब हमें ऐसा नहीं जो माइंड बोला हम उस हिसाब से चल पड़े माइंड ने बोला चलो आज घूमने चलते हैं घूमने जा सकते हैं लेकिन रोज अगर वो बोल रहा है तो तो वो बैड है वो आपके लिए भक्ति के लिए भी सही नहीं है आपके हेल्थ के लिए भी सही नहीं है बाहर का रोज रोज खा रहे हैं बाहर का रोज रोज आप बाहर परेशान हो रहे क्यों जाते हैं हम ताकि हम अपने आप को पीस रख सकते हैं हम हमें लगता है कि अगर हम बाहर रोज जाएंगे तो हम पीसफुल हो जाएंगे बट नहीं ऐसा कभी नहीं होगा ये आप रोज करोगे लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा कुछ चेंजेस हमारे लाइफ में आ नहीं रहे तो इसलिए माइंड को अगर आप कंट्रोल में रखोगे सेल्फ कंट्रोल एक होता है कंट्रोल एक होता है सेल्फ कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल खुद के कंट्रोल में रखना कि मैं चाहता हूं कि अभी मैं भक्ति करूं मैं चाहता हूं कि मैं अभी शांति से बैठ के आ, कुछ रीडिंग करूं या फिर भगवान का नाम लू अगर वो नहीं कर सकते हैं तो शांति से बैठू मैं वो पहले करो नहीं है कि दोहराओ अपने लाइफ में नो उसके बाद होता है माइंड को प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस हमारा जो हम जो अभी हैं उसको कैसे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं माइंड के द्वारा हम माइंड के द्वारा ऐसे ही आप प्योरीफाई कर सकते हैं आप गलत ना किसी के लिए सोच कर गलत ना बोल के हमारे माइंड में ही सब कुछ आता है कि वो व्यक्ति अरे ये तो बहुत बेकार इंसान है इसको तो मैं बदला ले कर रहूंगी ये वो ऐसे आता है ना माइंड में बहुत कुछ आता है तो उसी वजह से हमारे वो जैसे माइंड में आएगा फिर माइंड से कनेक्ट होते हुए हम लोग मुंह से बोलते हैं और फिर मुंह से बोलते बोलते हमारा जो बॉडी है वो एक्शन में आता है तो ये सब माइंड का खेल है तो हमें उस चीज को उस चीज को हमें समझना है और अपने आप को शांत रख के प्योरीफाई अपने माइंड को करके वे सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ उस समय भी आप सोचोगे तब जाके आप प्योरिफाई अब ये आपने जान लिया कि बॉडी स्पीच माइंड से आप तपस्या कर सकते हो बट इन सबको अगर आपको अचीव करना है इन सबको आपको अपने लाइफ में उतारना तो है प्रैक्टिस तो करना ही है लेकिन अगर ये सब चीज आपको करना है अच्छे से करना है और आपको अपने लाइफ में उतारना भी है इस टाइप का तपस्या तो इस सबसे इम्पॉर्टेंट है अगर आप भगवान का नाम का जप करें तो भगवान का नाम का जप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको वो आपके अंदर से आएगा कि मुझे ये सब चीज़ बॉडी स्पीच माइंड से कैसे मैं अपने तपस्या करूं ताकि मैं भगवान को सेटिस्फाई कर सकूं और अपने खुद को भी सेटिस्फेक्शन उस चीज़ थी, से मुझे मिले तो ये इस चीज़ के ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैंटिंग ये सबसे बड़ा तपस्या है कि रोज सुबह एक माला दो माला जितना भी आप कर रहे हो भगवान के लिए अपने लिए तो वो बहुत बड़ा तपस्या है अगर आप अपने लाइफ में उतारते हो तो आप भगवान के लिए भी बहुत बहुत तपस्या करें और उससे भगवान बहुत ज़्यादा प्लीज होते हैं खुश होते हैं नेक्स्ट आता है एक अब तो आपने जाना कि आप कैसे बॉडी स्पीच माइंड से आप तपस्या कर सकते हो अब आता है कि मोड किस मोड में हमें तपस्या करना चाहिए तो मोड ऑफ गुडनेस मोड ऑफ पैशन मोड ऑफ इग्नोरेंस तो सात्विक गुण राजसिक गुण और इग्नोरेंस तामसिक गुण तो ये गुणों को आप रख के कि कैसे आप भगवान की तपस्या कर सकते हैं तो गुडनेस में आता है गुडनेस में क्या आता है कि अभी जो जो अगर हम मोड ऑफ गुडनेस में तपस्या करते हैं जो मोड ऑफ गुडनेस में तपस्या करते हैं वो कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं वो अब भगवान के ऊपर ट्रांसीडेंश फेथ रखते हैं और बिना किसी मटेरियल बेनिफिट के बिना किसी आशा के कि भगवान मुझे ये दे दो वो दे दो भगवान के सेवा में एंगेज रहते हैं और कुछ लोग मोड ऑफ पैशन में तपस्या करते हैं तो मोड ऑफ पैशन में कैसे कोई करता है तपस्या सेवा कैसे करता है तो वो क्या करता है कि वो तपस्या तो करेगा वो सेवा भी करेगा मंदिर भी जाएगा सब कुछ फॉलो करेगा चैंटिंग भी करेगा लेकिन उसके मन में क्या रहेगा कि कोई मुझे उससे रेस्पेक्ट मिले ऑनर मिले और मेरी को मेरी पूजा करे लोग मुझे बहुत रेस्पेक्ट दे मैं जब भी जाऊं तो मुझे पूछे लेकिन भगवान बताते हैं कि जो मोड ऑफ पैशन में तपस्या करते हैं वो कभी भी स्टेबल वो तपस्या कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा और पॉमनेंट अगर आपके माइंड में यही यही बसा रहेगा कि मैं मैं तपस्या तो कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन मेरे को ये चाहिए मुझे रेस्पेक्ट चाहिए मुझे और लोग पूछे मुझे लोग पूजा करे तो ये अगर आपके माइंड में रहेगा और तब आप उस उस मोड से आप भगवान की तपस्या करेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा और वो कभी भी आपका परमानेंट नहीं क्योंकि एक टाइम के बाद कोई सबका नेचर अलग है तो एक टाइम कभी कोई आपको नहीं देगा रेस्पेक्ट नहीं करेगा पूछेगा तो क्या आएगा आपके मन में कि ये सब फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अब ये सब बेकार है सब वर्थ, भक्त वक्त भक्त वक्त सब बेकार होते हैं कोई रेस्पेक्ट नहीं है मेरे को इस मंदिर में फिर आपको गुस्सा आएगा और आप भक्ति छोड़ दोगे और आपको लगेगा कि छोड़ो ये सब कुछ सही नहीं है मैं अपनी लाइफ में पहले खुश जैसे था वैसा वैसे ही मैं खुश था अब आता है एक होते है, एक होते एक हैं ऐसे होते हैं जो मोड ऑफ इग्नोरेंस में तामसिक गुण में कैसे आप वो तपस्या करते हैं तो जै अपने आप को क्या करेंगे बहुत अपने आप को सेल्फ टॉर्चर करेंगे बहुत बहुत तरीके ऐसा तपस्या करेंगे जिससे उनके शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है कष्ट होते हुए और ये कष्ट वो इसलिए उठाते हैं ताकि वो दूसरों को परेशान कर सके दूसरों को डिस्ट्रॉय करने उनके मन में ये रहता है अब तो मैं दिखाता हूं इसको कि कैसे मैं इतना अच्छा तपस्या करूंगा कि भगवान को खुश कर दूंगा और भगवान फिर मुझे बेनिफिट देंगे फिर उस व्यक्ति को मैं खत्म कर दूंगा या उस व्यक्ति को बर्बाद कर दूंगा ऐसे मोड में लोग तपस्या करते हैं तो वो भी सही नहीं है तो अभी आपको पता है मोड ऑफ इग्नोरेंस में किसने तपस्या की थी आपने हिरण्याक्ष हीरन्य कंस सबका सुना ही होगा कि उन्होंने बहुत हजारों हजारों साल तक तपस्या की लेकिन उसका बेनिफिट क्या हुआ उनको मिला बेनिफिट उनको उनको चाहिए था कि उनको जो अमर होने का वरदान मिल जाए तो उनको वो बूंद मिला भी मतलब भगवान से लेकिन उसका क्या नतीजा रहा कि उन्होंने वो बूंद लेकर क्या किया सबको सब देमी सारे ब्राह्मण सबको परेशान किया सबको बहुत ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझने लगे अपने आप वो सोचते हैं कि मैं तो भगवान भगवान भी मेरे सामने कुछ नहीं है लेकिन अंत में उनका अंत तो होना ही था अंत हो गया कुछ नहीं उससे वो मिला बस वो सोचे कि मैं वो अपने आप तो, अपने को अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने ये किया लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ अंत में तो भगवान ने जो उनको मिलना था वो मिला तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब आता है कि अभी आपने ये सब सोच लिया अब आता है तपस्या में सबसे बड़ा होता है फास्टिंग व्रत रखना उपवास रखना जिस तरीके से भी आप जानते हैं तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है फास्टिंग हाँ अभी आज के टाइम पे आज के टाइम पे बात करें तो स्लोक बोलते हैं बहुत सारे आजकल आजकल बोलते हैं फास्टिंग इज

तो वो भी फास्टिंग होता है वो क्यों करते हैं ताकि वो कैसे बॉडी के वेट को कम कर सके और अपने आप को शेप में रख बट उसको वो अलग तरीके से अगर वही अगर आप वही फास्टिंग आप भगवान के लिए करें या किसी फेस्टिवल में कर रहे हैं तो वो सब ओल्ड फैशन में आता है लेकिन वही अगर आप अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं तो उसको वो बोलते हैं वी आर डूइंग फॉर आवर बॉडी वी आर डूइंग फॉर लूजिंग आवर वेट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो इसलिए वो क्या करते हैं कि अपनी हे, अपनी हेल्थ के लिए वो फास्टिंग करेंगे तो वो आज का ट्रेंड है लेकिन वही आप भक्ति के लिए करे या भगवान के लिए करे वो सोल फैशन चीजें तो आजकल कलयुग बढ़ रहा है तो लोगों के माइंड मेंटली भी वो ऐसे ही प्रिपेयर हो रहे हैं लेकिन एज पर साइंस फास्टिंग के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं तो जैसे मैंने एक टेबल बनाया है तो इसमें ही बताया है फास्टिंग में अगर जो फास्टिंग करता है उसका वेट लॉस होता है डाइजेशन प्रॉब्लम हील हो जाता है फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है एजिंग जो है जो बुढ़ापा है वो कम हो जाता है धीरे धीरे होता है जल्दी जल्दी, जल्दी आप बुढ़े नहीं होते हैं इम्यून सिस्टम आप बूस्टअप करते हैं आपका हार्मोन्स ग्रो हार्मोन्स आप होता है ग्रोथ आता है उसमें फिर उसके बाद इन्फ्लोमेशन आपका रिड्यूस होता है फिर आप स्पेशली जब आप फास्टिंग करते हैं उस समय आप नोटिस करिएगा जिस दिन आपका फास्टिंग होगा जो भी दिन जैसे अभी आपको सबको पता है अभी वो चल रहा है नवरात्रि चल रहा है तो बहुत लोग नौ दिन का फास्ट रखते हैं कोई एक आगे पीछे का रखता है जो भी होता है उसे अपने हिसाब से आपने देखा होगा कि रेगुलर डेज में और अभी के समय पे आपको बेनिफिट्स तो लगता ही होगा जैसे आप अभी के समय पे आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं आपको पता आपको चीजें सुनने का मन करता है अगर आपको भगवान के किसी के बारे में भी आपको होगा तो आप उसमें फोकस आएगा पढ़ाई भी करेंगे उसमें तो आपको फोकस्ड होगा क्योंकि आपके माइंड में जब हम एक दिन का फास्ट रखते हैं तब क्या होता है हमारा माइंड विचलित नहीं रहता इधर उधर नहीं दौड़ता हमारा माइंड ट्रांसिडेंटल फेथ में आ अगर अगर उस वे में कर रहे हैं जिस तरीके से अभी मैं बताने वाली हूँ कि कैसे हमें फास्टिंग करना है तब जाके वो बेनिफिट आपको मिलेगा नेक्स्ट आएगा अभी आपने जाना कि फास्टिंग से क्या बेनिफिट मिलता है तो आज तो हम आज का सेशन ही ये है कि एकादशी डे में फास्टिंग करना ठीक है तो फास्टिंग तो बहुत सारे जैसे नवरात्रों में कर रहे हैं आप लेकिन सबसे सबसे इंपॉर्टेंट फास्टिंग जो भगवान भगवान कृष्ण ने बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट फास्टिंग क्या है अपने लाइफ में वो है एकादशी के दिन जो फास्ट करता है उससे उसको जो बेनिफिट मिलता है वो किसी और फास्टिंग से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा ठीक है 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 तो अब आता दो दो आप दो टेबल देख रहे हैं एक होता मटेरियल लाइफ में भी लोगों का फास्टिंग चल रहा है वो भी करते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में भी करते हैं तो मटेरियल लाइफ में ऑटोमेटिकली वो करना ही पड़ता है फास्टिंग जैसे कोई बत, कोई इंसान कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो गया और हॉस्पिटल में आ गया तो उसको फास्टिंग ऑटोमेटिकली करना है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्यों करना है क्योंकि हेल्थ के लिए करना पड़ता है कई बार ऐसा होता है कि उनको कुछ खाने को नहीं मिलता डॉक्टर्स मना कर देते हैं कुछ ऐसे अगर उनको प्रौ, हेल्थ प्रॉब्लम ऐसी है कि उनको नहीं मिला जब जब बाढ़ आ जाएगा फेमाइन आएगा तो क्या होगा कि आपको तब भी फास्टिंग करना पड़ता है तो आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है कुछ नहीं लो जो पॉलिटिशियंस होते हैं भूख हड़ताल करते हैं है ना वो भी फास्टिंग में आ गया और कोई योगिक पावर जैसे मैंने बताया जिसको पावर चाहिए होता है लोगों को परेशान करने के लिए वो भी लोग फास्टिंग करते हैं और योगिक पावर से वो क्या करते हैं अपने आप को सेल्फ टॉर्चर करते हैं तो वो लोग भी फास्टिंग कर रहे हैं मटेरियल लाइफ में भी लोग फास्टिंग हो रहा है लेकिन उनका जो मोटिव है वो क्या है सेल्फ ईगो को अपने जो सेल्फ ईगो है उसको प्लीज करने का कैसे प्लीज करते हैं वो ये सब करके उनको लगता है जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में है उनका तो वैसे भी वो करना है लेकिन और सब जो भू करते हैं जो योगिक पावर टॉर्चर में कर रहे हैं तो उनका क्या होता है उनके लाइफ में मोटो क्या होता है कि मैं अपने सेल्फ ईगो को कैसे सेटिस्फाई भू हड़ताल करके क्या चाहते हैं कि लोग मुझे पूछे मुझे देखे मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनू सबका और मुझे सब पूजे मुझे रेस्पेक्ट दे उस उस थॉट से वो फास्टिंग करते हैं तो जो कि जो कि क्या होता है वो मेंटल कंकॉक्शन मतलब अपने मन धरक से वो फास्टिंग कर रहे हैं लेकिन वो अपना मन धरक होता है मतलब वो किसी को फॉलो नहीं करते लेकिन अपने मन आया चलो फास्टिंग करते हैं लोग मुझे देखेंगे नोटिस करेंगे इस तरीके से लोग फास्टिंग एक होता है स्पिरिचुअल लाइफ में लोग फास्टिंग कर रहे हैं तो एकादशी फास्टिंग करते हैं महीने में दो बार आता है फेस्टिवल में फास्टिंग जैसे फेस्टिवल्स कैसे क्या क्या होगा फेस्टिवल आपका आएगा जन्माष्टमी गौर पूर्णिमा फिर उसके बाद नित्यानंद त्रियोदशी और बहुत सारे फेस्टिवल्स आता है उसमें हम फास्टिंग करते हैं वैष्णवर्स का बर्थडे आता है तब हम फास्टिंग करते हैं उनका मेमोरियल डे आता है अपियरेंस डिसअपियरेंस डे आता है तब भी हम उनका फास्टिंग ये हम क्यों करते है? ये जो दो डिवोटीज है और जो स्पिरिचुअल लाइफ में फास्टिंग कर रहे हैं वो क्या करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ताकि वो भगवान अपने लिए नहीं करते ताकि वो भगवान को प्लीज कर सके है ना भगवान को खुश कर सके भगवान ने ये सब बोला है कि हमें ये सब करना है तो भगवान कब खुश होते हैं जब हम उनकी बात को सुनते हैं और अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो वो भगवान को प्लीज कृष्णा को प्लीज करने के लिए फास्टिंग करते हैं और वो कहाँ से ये ये जो फास्टिंग कहाँ से वो करते हैं कहाँ से उनको रिकमेंडेशन मिला अपने मन से नहीं कर रहे हैं कि नहीं चलो आज मन किया तो एकादशी कर लेते हैं आज ये अपने मन से नहीं जो भी गुरु कृष्णा और शास्त्र में बताया गया है वो उसको फॉलो करते हुए वो ये फास्टिंग करते हैं अपने मन धरक से नहीं क्योंकि अगर आपको एकादशी मतलब एकादशी और भी कोई फास्टिंग करना है तो हमें गुरु और कृष्णा और शास्त्र में जो बताया बताया है मेंशन किया है वही फास्टिंग करना आजकल के लाइफ में बहुत लोग बहुत सारा फास्टिंग कर रहे हैं इसके लिए फास्टिंग उसके लिए फास्टिंग ऐसा फास्टिंग वैसा फास्टिंग मटेरियल लाइफ में भी कर रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में भी करते हैं लोग चलो आज तो आज मेरा मन किया आज इसका फास्टिंग अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको पूरे हफ्ते में दो तीन बार तो फास्टिंग करते हुए दिखेंगे बट लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं है क्योंकि वो अगर शास्त्र में नहीं बताया है भगवान नहीं बता रहे हैं और गुरु नहीं बता रहे हैं तो आप कितना भी फास्टिंग कर ले उसका कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उनको ऐसा लगता है कि ये करने से मैं अपने फैमिली को सही रख लूंगा या अपने आप को सही प्रोटेक्ट कर लूंगा लेकिन अगर आप अगर आप शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहे हो गुरु को फॉलो नहीं कर रहे हो कृष्णा को फॉलो नहीं कर रहे हो तो कुछ आपका उसका कोई बेनिफिट नहीं है तो अब आता है शिला प्रभुपाद जी जो हमारे आचार्य हैं रिसेंट आचार्य वो क्या कहते हैं एकादशी के पास्टिंग के बारे में उन्होंने श्रीमद् भागवतम के फोर्थ कैंटो ट्वेंटी एट चैप्टर थर्टी सेवन श्लोक में बताया है कि अभी मैं दलीली पढ़ूंगी कि पहले के टाइम पे क्या होता था लोग जाते थे फॉरेस्ट हाई हिल्स में माउंटेन में तो वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कष्ट करते थे बहुत ज्यादा तपस्या करते थे जो कि इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है आजकल के टाइम पे फॉरेस्ट नहीं जा सकता कोई हाई हिल्स पे जाके माउंटेन्स पे जाके बैठ के तपस्या नहीं कर सकता जो पहले योगी जो भी होते थे वो लोग तपस्या करते थे तो बहुत वो जो तपस्या करते थे वो बहुत ज्यादा सेवियर होता था बहुत बहुत ही ज्यादा उनको परेशान करने वाला लेकिन आज के टाइम पे इतना कष्ट कोई नहीं ले सकता तो वन शुड इंस्टेट ईट ओनली प्रसाद एंड नो मोर देन रिक्वायर्ड फास्ट आर तो भगवान प्रपात जी क्या कहते हैं एक तरह के तपस्या आप क्या कर सकते हो कुछ मत मतलब आपको आपको तपस्या इतना इतना इजी बताया है प्रभुपाद जी ने कि आप सिर्फ प्रसाद खाओ प्रसाद प्रसादे भगवान को भोग लगाओगे और फिर सिर्फ प्रसाद खाओगे और उतना ही खाओगे जितना आपको आपकी बॉडी के लिए आपको जरूरत है तब क्या होगा कि आप वो वो भी एक टाइप का तपस्या आप कर रहे हो अपने लाइफ में इतना करते हो तो भी आप बहुत ज्यादा तपस्या कर रहे हो तो ये भागवतम में बता रहे हैं प्रभात जी तो ये भागवतम में मेंशन है अगर आप इतना भी करते हो सिर्फ प्रसाद ही खा रहे हो ना बाहर का कुछ खा रहे हो ना ही ऐसा नहीं है कि आप बिना भोग लगाए खा रहे हो सिर्फ प्रसाद खा रहे हो भगवान को लगा भगवान को भोग लगा के तो वो भी एक टाइप का तपस्या आप कर रहे हो तो फास्ट क्यों जरूरी है ताकि प्रभात बताते हैं हमारा जो बॉडी है उससे फैट इंक्रीज होता है जब आप महीने में एक दो बार फास्ट करेंगे आप तो नोटिस करेंगे कि आपका जो फैट है वो डिक्रीज होता है क्योंकि आप ऐसा नहीं है अगर बहुत कुछ खा पी के फास्ट रख रहे तो तो नहीं होगा फायदा लेकिन अगर जैसे आगे मेंशन किया जाएगा उस तरीके से फास्ट रखोगे तो आपका बॉडी से फैट डिक्रीज होगा और आपको नींद उतनी ही आएगी जितना आपको सोना है ज्यादा आप सोओगे नहीं क्योंकि लेजी जब आप आपके बॉडी में बहुत ज्यादा फैट रहता है तब तो क्या होता है कि नींद ज्यादा आती है आप क्या हो जाते हो इनएक्टिव हो जाते हो लेजी हो जाते हो तो वो नहीं होगा तो नींद उतनी आएगी जितना आपको सोना है और आप एक्टिव रहोगे हर वक्त लेजी नहीं रहोगे तो ये भी आप तपस्या कर रहे हो अपनी लाइफ में ये बहुत छोटी छोटी तपस्या है आप कर सकते हो अपने लाइफ में उतार सकते हो अभी ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ये तपस्या क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये हमें जो ह्यूमन फॉर्म मिला है जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है ये ऑस्टेरिटी करना आजकल के लाइफ में सब तपस्या कर रहे हैं कोई अपनी बॉडी को वेट लॉस करने के लिए आप कभी भी नोटिस कीजिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना तपस्या के आराम से बैठा है और सब कुछ उसको हाथ पे मिल रहा है नहीं मेहनत तो सबको करना है तपस्या सबको करना है लेकिन जो शास्त्र में बताते हुए जो तपस्या करता है उसको उससे बेनिफिट मिलता है लेकिन अगर वो जो अपने मन धरक तरीके से तपस्या कर रहा है उसका कोई उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आस्ट्रेडी, आस्ट्रेडी का मतलब है सेक्स कंट्रोल करना आप अगर संभोग को कंट्रोल कर सकते हैं और अपना जो खाना पीना है वो कंट्रोल क्योंकि सबसे बड़ा तपस्या यही होता है क्योंकि टंग हमारा जो जीवा है वो बहुत हमें विचलित कर देता है कभी ये खाने का मन करेगा कभी वो चलो आज ये खा लेते हैं चलो बाहर का कुछ खा लेते हैं तो तरह तरह की चीजें खाने का मन करेगा उस वजह से हम नहीं छोड़ पाते प्याज लहसुन हम कुछ भी नहीं छोड़ पाते हमें लगता है कि हम बाहर का ही खाएंगे बाहर की चीजें अच्छी मिलती है आप वही चीज़ आप घर पे भी बना सकते हो लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं आप मेरे को उसी का टेस्ट पसंद क्योंकि हमारा जीवा उस चीज के लिए फोर्स करता है हमें कि हम वहां जाए और उस चीज को खाएं तो अगर ये आप कर रहे हो अगर आप कंट्रोल कर रहे हो टंग को फूड इनटेक को और संभोग को तब क्या होगा आप तपस्या कर रहे हो तो ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ तपस्या के लिए बना है तो हमें तपस्या करना तो इम्पोर्टेंट है ही तो इस टाइम इस वजह से आप क्या करोगे जब इतना कुछ तपस्या करोगे तब क्या होगा कि आप अपने अपनी जिंदगी में देखोगे आपके पास समय है स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने के लिए लोगों के पास समय क्यों नहीं रह पाता क्योंकि वो भाग दौड़ वाली जिंदगी जी रहे हैं बाहर ही रहना बाहर ही खाना बाहर ही सब कुछ करना उनके पास घर पे आने का भी समय नहीं रहता जब वो रात तक आते हैं तो थक थक गए होते हैं क्योंकि इतना खा लिया इतना बाहर का कुछ खा लिया होता है कि वो अब जस्ट सोना है सोने का तो फिर लोग लो बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं मिलता हमें भक्ति करने का क्यों नहीं मिलता समय क्योंकि हम अपने जो लाइफ को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं हमें पता हमें कभी भी उठना कभी भी सोना कभी भी जगना कभी भी बातें करना कभी भी बाहर चले जाना कोई रेगुलेशन नहीं है तो इससे क्या होता है हम एक तो वो हेल्थ के लिए भी बेनिफिट नहीं होता अगर आप देखेंगे कोई हेल्दी रहना चाहता है तो वो क्या करता है पहले सुबह उठेगा थोड़ा योगा करेगा थोड़ा मेडिटेशन करेगा क्यों करता है और हेल्दी चीजें खाएगा सैलेड खाएगा उससे उसको हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है आजकल बहुत लोगों को डायबिटीज हो रहा है तो डायबिटीज में बहुत सारा ऐसा मेंशन किया है कि आप अपने आपको अपने लाइफ को रेगुलेट करना पड़ता है मजबूरी में ही सही अगर आप अपने लाइफ को रेगुलेट नहीं करते हो तो आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ता है ग्लूकोज आपका बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा आपको हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी और जब हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे तो इसलिए वो मजबूरी सही लेकिन वो तपस्या कर रहे हैं क्यों क्योंकि उसके लिए वो रेगुलेशन में आते हैं तो वही अगर हम भक्ति के लिए बोलते हैं तो नहीं उनके पास समय नहीं है तो जब कोई ऐसे भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाता तो भगवान क्या करते हैं उनको मजबूरी में फोर्सफुली उनको समय निकालना ही पड़ता है अपने लाइफ में वही भले ही वो अपने हेल्थ की वजह से हो अपने फैमिली के वजह से हो या अपने खुद के वजह से हो तो तो इससे अगर आप ऐसे रेगुलेशन में रहोगे तो उसमें आपका टाइम भी बचेगा जिसमें आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी थोड़ा कर सकते हो और अगर स्पिरिचुअल एक्टिविटी हम करेंगे तो क्या होगा हम अपने बाहरी चीज बाहरी बाहर से भी और अंदर से भी बाहर से ही हमें प्यिफाई नहीं होना कि अच्छा क्लीन रहना है तिलक लगाना है नहाना है अच्छे से क्लीन करके रहना है नहीं हमें अंदर से भी अपने आप को प्यिफाई करना है कि हमें किसी के लिए गलत नहीं सोचना किसी को कुछ गलत नहीं बोलना हमारे माइंड में अभी ये पॉसिबल अभी नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे वो आएगा जब आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंगेज अपने आप को करेंगे अब आता है एकादशी में अभी आप लोग ने इतना कुछ सुन लिया आपको लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगा इतना स्ट्रिक्ट होगा तो कौन करेगा छोरो नहीं करेंगे हम नहीं ऐसा नहीं तो प्रुपात जी बताते हैं प्रोपात जी हम लोग किस हम लोग हैं ब्रह्म गौर माधवा माधवा संप्रदाय से हम बिलोंग करते हैं तो उसमें क्या होता है जो हमारे रीसेंट आचार्य हैं शीला प्रपात जी उन्होंने बताया है कि हमें एकादशी फास्टिंग को उतना स्ट्रिक्ट नहीं उन्होंने बताया है कि एकादशी में आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना है कुछ खाना पीना नहीं है एकदम बिल्कुल निर्जला रखना है ऐसा नहीं है कुछ तो आप कैसे कर सकते हैं आप कैसे कर सकते हैं एकादशी के दिन वैसे तो हमें फूड नहीं लेना चाहिए वाटर वैसे तो पानी भी नहीं पीना चाहिए बट लेकिन हम लोग जिनको फॉलो कर रहे हैं हमें शास्त्र को गुरु को आचार्य को फॉलो करते हुए जाना है ठीक है तो हमें इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने की जरूरत नहीं है तो क्या हमें नहीं करना है तो प्रभात जी ने बस क्या कहा है एकादशी के दिन हमें फूड ग्रेन्स नहीं लेना अनाज अनाज में दोनों आता है रोटी और राइस दोनों नहीं है कि राइस ले रहे हैं नहीं राइस नहीं ले रहे हैं और रोटी ले रहे हैं नहीं रोटी राइस जो भी जो भी ग्रेन्स में आता है जैसे दाल दाल आते हैं अनाज आते हैं ये सब हमें उस दिन नहीं खाना है हम थोड़ा फ्रूट्स ले सकते हैं मिल्क ले सकते हैं जो भी अपने बॉडी बॉडी के जो भी अपने अपना सबको सबको अपना अपना पता है कि अप, उनकी बॉडी कितनी केपेबल है क्या क्या करने के लिए कोई बीमार है कोई मेडिसिन पे है किसी को जब खाना जरूरी है तो एकादशी में जो भी नॉन ग्रेन आता है वो खाकर फास्टिंग कर सकते हैं तो फ्रूट्स मिल्क जो भी होता है वो खाकर आप तपस्या ये भी एक टाइप का तपस्या है अगर आप ये भी इतना भी कर रहे हो तो वो भी तपस्या है लेकिन करना इम्पोर्टेंट है ये भगवान इतना देखते हैं कि आपका भाव क्या है आप कर तो रहे हो ना वो इम्पॉर्टेंट है ठीक है so if we we are not prepared to undertake even this very very easily executable tapasya then how we can सो इफ back, home, back back to Godhead agar hum itna bhi nahi kar rahe hain life में एकादशी भी नहीं रख पा रहे हैं थोड़ा सा fruit और milk खा के भी नहीं रख पा रहे हैं तो हम कैसे भगवान के धाम जाएंगे ये हमें सोचना है सब बोलते हैं ना हम हम ये हम तो chanting कर रहे हैं हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन नहीं होता लेकिन हमें थोड़ा तपस्या तो थो करना पड़ेगा अगर हमें भगवान के धाम जाना है तो एकादशी फास्टिंग कहाँ पे रिकमेंडेड है एकादशी फास्टिंग में भागवतम में प्रपात जी कहते हैं कि प्रपात जी कह रहे हैं इट मीन्स कि कृष्णा कह रहे हैं क्योंकि वो कृष्णा के लिए से आ रहे हैं प्रपात क्योंकि जो भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो जो कृष्णा ने बोला कृष्णा ने ब्रह्मा जी को बोला ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बोला ऐसे करते ही करते ही चेतना महाप्रभु को चेतना महाप्रभु ने अपने जो भी जो भी शट गोस्वामी थे उनको बोला और फिर उसके बाद हमारे जो गुरु परंपरा में आते हैं पांच उनको बोला गया लास्ट में प्रभुपात जी ने हमें बोला तो ये सब उनके हमें डिसिप्लिन सक्सेशन में फॉलो करते हुए श्रीमद भागवतम में भगवान बता रहे हैं कि जो भी भगवान का भक्त है उसको एकादशी पास्ट रखना है उनको ग्रेन्स नहीं लेना बीन्स नहीं लेना बीन्स में दाल आते हैं राजमा वाजमा जो भी आता है वो सब आता है और ये ये आ, वाव उनको ऑब्जर्व करना मतलब वो ये वाव उनको लेना है अपने लाइफ में कि वो एकादशी के दिन फूड ग्रेन्स नहीं लेंगे और बीन्स नहीं खाएंगे एकादशी फास्टिंग वो रखेंगे ये श्रीमद भागवतम के फर्स्ट कैंटो ट्वेल्थ चैप्टर पहला श्लोक में भगवान कह रहे हैं प्रभुपात जी ठीक है नेक्स्ट आता है और भी रिकमेंडेशन है कि चेतना एक बार क्या होता है सच्ची माता जी जो होती हैं जो चेतन महाप्रभु की मदर हैं सबको पता है कौन है चेतन महाप्रभु स्वयं भगवान स्वयं भगवान कृष्ण जो इस कलयुग में 500 साल पहले माया नवदीप धाम में आए थे अवतरित लिए थे वो राधा रानी और कृष्ण के क्या है अवतार है मिलेत, मिलेत, हुँ। हुँ। मिल ना हाँ तो वो उस, उस अवतार में आए थे तो वो स्वयं कृष्णा है ठीक है इस पा, इसके बारे में बताएंगे हम चेतन महाप्रभु कौन थे इसका भी हम कभी लेंगे तो एक बार क्या होता है कि उनकी माता सबकी माता ऐसे बोलती है अपने बच्चे को बच्चा बताओ क्या चाहिए तुम्हें अब तुम्हें जो चाहिए मैं उसको पूरा करूंगी है ना जो माँ होती है वो अपने बच्चे को बहुत बच्चे से प्रेम करती है वो बोलती है बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें दूंगी तो भगवान कहते हैं उनसे कि मुझे बस इतना चाहिए कि आप एकादशी के दिन ग्रेन्स ना ले ग्रेन्स मतलब अन्न का अन्न ना ले तो उससे मैं खुश हो जाऊंगा तो ये लीला चेतना चरित्रा में जिन्होंने पढ़ा है तो लीला में बताया गया है तो उसमें आपको भगवान अपनी मदर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें एकादशी के आ, प्लीज डू नॉट ईट ग्रेन्स ऑन द एकादशी डे ये भगवान अपनी मदर से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज ग्रेन्स एकादशी के दिन ना ले ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे हम हम हमारे हस्बैंड्स हमारे बच्चे बोलते हैं ना कि आज तो मम्मा आज तो आज क्या करूं मैं बताइए जैसे आप आपको किसी से कुछ मांगना होता है या किसी को कुछ देना होता है तो आप उसमें उसमें भी उनको ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि प्लीज आप एकादशी के दिन ग्रीन्स ना लें बस अगर आप मुझे खुश कर देखना चाहते हो या खुश रखना चाहते हो या मेरी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हो तो बस इतनी खुशी है मेरी कि मैं तो फास्टिंग कर रहा हूँ आप भी मत कीजिए इससे आप तो आप खुद तो करेंगे और दूसरों को भी आप करवा रहे तो उससे भी भगवान ज्यादा प्रश्न मतलब बहुत ज्यादा खुश होंगे अब आता है चेतना महाप्रभु बोलते हैं कि चेतना महाप्रभु जब वो वेरी बिगनिंग मतलब बहुत छोटे थे जन्म से ही वो एकादशी फास्टिंग का एकादशी फास्टिंग कर रहे हैं तो ऐसे एकादशी फास्टिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चों के लिए नहीं है तो हम पैदा होते ही अपने बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं एकादशी फास्टिंग के लिए जैसे अभी मैं हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं जैसे हमारी हमारी जो बेटी है गौरांगी स्टार्टिंग से ही उसको हम एकादशी का जो एकादशी के दिन होता है एकादशी ही फूड देते हैं ताकि उसके टंग में वो पकड़ जाए कि हाँ ये अच्छा है ये अच्छा है क्योंकि अगर आप बचपन से कराएंगे तो वो इजी रहता है किसी को फॉलो करने में अब एकादशी फास्टिंग जो नहीं करता है एकादशी के दिन जो अन्न खाता है तो क्या होता है उसके साथ तो भक्ति संदर्भा में बताया गया है श्री नजीब गोस्वामी द्वारा कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वो उतना ही पाप करता है उसी बराबर पाप करता है जिस बराबर किसी ने किसी का किसी मदर अपने माँ का पिता का भाई का या अपने गुरु का हत्या किया हो मर्डर किया हो उसके बराबर जो आपको जो पाप उसमें भोगना पड़ेगा वही पाप आपको एकादशी के दिन अन्न खाके भोगना पड़ेगा तो दोनों इक्वल है अगर आप अपने मदर फादर ब्रदर या गुरु गुरु का आप मर्डर कर रहे हो और जो आपको पाप उससे मिलेगा वही पाप आपको एकादशी के दिन अन्न खा के मिलेगा तो इसीलिए एकादशी फास्ट हमें करना बहुत जरूरी है तो और भी बहुत सारे रिकमेंडेशन है कि वे ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है कि जो भी एकादशी के दिन फास्टिंग करता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और अपने अब जब सारे पाप से आप मुक्त हो जाओगे तो आप क्या हो जाओगे पायस पायस मतलब पुण्य तो पुण्य व्यक्ति हो जाकर और और उसमें आप बढ़ोगे तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए एकादशी फास्टिंग आपको करना चाहिए फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ खाने से हमें फास्टिंग करना है फास्टिंग का मतलब बेसिक उसका प्रिंसिपल है कि उस दिन हमें भगवान के प्रति अपना फेथ और लव अपना विश्वास और फिर प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति हमें उस दिन बढ़ाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं उस दिन हम ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी और अपनी माइंड को भगवान के सेवा में इंगेज कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं भगवान का नाम लेकर और भगवान की कुछ सेवा करके कुछ भी एक्टिविटी जैसे जो घर पे है वो घर पे भगवान को अच्छा अच्छा भोग बना के दे सकते हैं और भगवान को अभिषेकम कर सकते हैं जो भी आपके आपके आपको फिजिबल हो जो भी आपके लिए आप कर सकते हो वो आप कर पाओ कर जो कर पाओ वो करना नेक्स्ट आता है कि आप एकादशी कैसे प्लान करोगे अब बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि एकादशी के बारे में तो मैंने बता दिया अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चंस तो आएगा कि एकादशी कैसे हम कैसे सोचे कि हमें एकादशी करना है क्योंकि हम भूल जाते हैं कभी कभी एक दिन पहले उसको प्लान करके रखना है कि कैसे हमें एकादशी के दिन रहना है तो कैसे करना है कि एक दिन पहले हमें जल्दी सोना है और हमें माउथ वॉश करके सोना है क्योंकि जब भी रात को हम भोजन करते हैं जो भी प्रसाद लेते हैं तो क्या होता है हमारे मुंह में भी अन्न रहता है तो अन्न है तो आप नेक्स्ट डे आप उठोगे एकादशी के दिन तो आपका फास्ट टूट जाएगा तो इसीलिए जब आप एक दिन पहले सोएं तो पहले क्या करना है जल्दी सोए और जल्दी सोने के बाद ब्रश करके सोए फिर जल्दी उठे दूसरे एकादशी के दिन जल्दी उठना है आपको ग्रेन्स नहीं लेना है उस दिन कोई भी अन, अनाज नहीं लेना न रोटी न राइस न दाल कोई भी अनाज आपको नहीं लेना है उस दिन हरिकृष्णा महामंत्र का एक्स्ट्रा राउंड करना है जो अगर कोई एक माला कर रहा है तो उसको एटलीस्ट चार करना है जो चार कर रहा है वो आठ करे जो आठ कर रहा है वो सोलह करे जो सोलह कर रहा है तो उसको पच्चीस तो करना ही है भगवत गीता और श्रीमद भागवतम उस दिन पढ़ना है एकादशी के दिन कीर्तन कर सकते हो आप अपने घर पे अगर इस सबसे टाइम मिले आपको तो ऑप्शनल है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कीर्तन करना ही है आपके आपकी इच्छा हो तो कीर्तन कर सकते हो घर पे स्पेशल डी वर्शिप करना है मतलब आपके अगर घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उस दिन उनका अभिषेक शे, अभिषेकम कर दीजिए उनको अच्छे अच्छा भोग बना के जैसे मैंने पहले बताया तो ये ऑप्शनल है ये जरूरी नहीं है कि आपको ये करना है भगवान के मंदिर जा सकते हो उस दिन है ना तो ये भी ऑप्शनल है ये भी जरूरी नहीं है आप जाए आप अगर ऊपर का जो पाँच है उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो जो तीन है वो उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो अगर आपके पास समय हो तो आप जा सकते हो टेंपल, और सेवा कर सकते हो टेंपल में जाकर ये भी ऑप्शनल है और चैरिटी दान करना उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट है तो दान हमें उनको ही करना चाहिए जो कि भगवान के भक्त हो ठीक है वो उनको ही हमें दान करना है नेक्स्ट आता है फास्ट अभी पांच तरीके से आपको बताया गया है कि एकादशी कैसे फास्टिंग आप कर सकते हो फास्टिंग का एक होता है कि आप बिना अन्न बिना कुछ भी खाए पिए निर्जल फास्ट रखो उसमें आप आचमन वाटर ले सकते हो या चन्नामृत ले सकते हो ये भी एक तरीके से आप कर सकते हो एक होता है दूसरा तरीका है अगर आप आ, वो नहीं आपके बॉडी आपको नहीं कर रहा है आप नहीं रख सकते हो निर्जल तो उसमें आप क्या कर सकते हो आप पानी पीके रख सक, पानी पी के फास्ट करोगे लेकिन जो अन्न है वो नहीं खाओगे फूड नहीं लोगे ये दूसरा तरीका है अगर उससे भी आपको बॉडी आपको नहीं हो रहा है तो आप पानी पी के और थोड़ा फ्रूट्स खा के आप फास्ट रख सकते हो फिर तीसरा है चौथा है कि पानी पी लो और एक टाइम का एक टाइम मतलब दोपहर में या शाम को एक टाइम आप प्रसाद ले लो और पांचवा है कि आप पानी भी पी रहे हो और, और नॉर्मल जैसे पानी पीते थे खा रहे हो लेकिन आप कोई ग्रेन्स नहीं खा रहे हो कोई दाल नहीं खा रहे हो जो भी नॉन ग्रेन्स होता है जो भी उपवास में खाते हैं हम वो खा रहे हो तो वो ऐसे भी आप कर सकते हो ये पांचों में से आप कोई भी एक करोगे आपको बेनिफिट वही मिलने वाला है इम्पॉर्टेंट ये है कि इन सब करते इन सब को फॉलो करते हुए हमें भक्ति में आगे बढ़ना है और उस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लेना है तो भगवान का नाम लेने के लिए आपके पास ये पांचों में से जो भी जिस तरीके से या जैसे कोई निर्जल भी पूरा रह के ले सकता है नाम लेकिन किसी का तबियत खराब हो जाए तो जैसे जिस जैसे आपकी बॉडी आपको आपकी बॉडी आपको अब वो कर रही है कि नहीं आपकी बॉडी आपको बोल रही है कि नहीं हाँ हाँ मैं ऐसे कर सकती हूँ या इस तरीके से मैं फास्ट कर सकती हूँ तो मैं भगवान का नाम भी ले सकती हूँ और उस दिन सेवा भी कर सकती जो मैंने अभी एक अभी पहले स्लाइड में बताया कि हमें उस दिन क्या क्या करना है खाली फास्ट नहीं रखना हमें चैंटिंग भी करना होता है भगवत गीता भागवतम सब पढ़ना है तो ये भी करके इन पांचों में से कोई भी आप कैसे किसी तरीके से भी आप फास्ट करो लेकिन आपको वही बेनिफिट मिलेगा आपका बॉडी जैसा बोले आपको वो सुनना है नेक्स्ट आता है कि चैंटिंग हमें एक्स्ट्रा राउंड उस दिन करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्स्ट्रा राउंड हमें चैंट कर चैंट करना है तो एक्स्ट्रा राउंड कैसे चैंट कर सकते हैं उस दिन आप जो भी एक माला दो माला जो करते हैं उनको चार करना है चार वालों को आठ करना है आठ वालों को अः सोलह करना है फिर उसके बाद अगर जो सोलह कर रहे हैं उनको एटलीस्ट पच्चीस माला करना है और स्पेशली स्पेशली जो कृष्णा कॉन्शियस में है उनको बताया गया है जो डिवोटीज होते हैं उनको एटलीस्ट पच्चीस माला तो करना है उसे। अब आता है कि हमें श्रीमद भागवतम का उस दिन हमें भागवतम सुनना है तो वन हु हियर दिस दिस मतलब इसलिए बोला गया है दिस दिस मतलब क्या होता है कि जो भागवतम हम डिसिप्लिन कुछ भी भागवतम हमें नहीं पढ़ना जो भागवतम डिसिप्लिक सक्सेशन में हम पढ़ रहे हैं जैसे जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा था और जो कि हम जी द्वारा लिखा गया है श्रीमद भागवतम उसे हमें पढ़ना क्योंकि वो भगवान के द्वारा डिसिप्लिक सक्सेशन में बोला गया है तो उसको पढ़ के अगर वो एकादशी के दिन वो जो पढ़ता है केयरफुली बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ता है उसके जो भी पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं ये किसमें कहा गया है भागवतम के बारवा कैंटो में बारह कैंटो में बारह चैप्टर नंबर श्लोक ठीक है अब आता है कि लोगों आप लोग के क्वेश्चंस ये आएंगे कि हम तो फास्ट रख रहे हैं जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं बहुत सारे फ्रेम से जो भोग बनाते हैं भगवान के लिए तो उस दिन क्या भगवान को एकादशी फूड देना है नहीं अब भगवान फास्ट नहीं रखते जो भी अगर नित्ताई गौर गौर नितई है जो भक्त के भक्त वत्सल में आए हैं भक्त के रूप में आए हैं उनको आपको एकादशी फास्टिंग गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनको आप एकादशी फास्टिंग करके आप दे सकते हो एकादशी जो फूड होता है वो ऑफर कर सकते हो लेकिन जो कृष्णा है राधा कृष्णा जो उनको आप अलड्डू गोपाल जी जो उनको आप भोग लगाओगे आपको उनको ग्रेन्स को ग्रेन्स का ऑफर करना है मतलब आपको उनको वो फास्ट नहीं रखते हैं क्योंकि वो भगवान है भगवान को भगवान पाप पुण्य से पड़े हैं तो उनको कुछ पाप नहीं लगता तो इसलिए उनको आपको ग्रेन्स बनाकर उनको भोग ऑफर करना है तो जो ग्रेन्स होता है तो क्या करना है तो अभी क्या लोगों के क्वेश्चंस ये आएंगे कि हमने रेगुलर दाल जो भी ग्रेन्स खाया तो क्या उसको हम खा सकते हैं तो भगवान का प्रसाद है प्रसाद तो मना नहीं कर सकते हैं लेकिन बताया गया है विष्णु विष्णु जो हम भगवान को भोग लगाते हैं एकादशी के दिन जो दाल चावल रोटी सब्जी जो भी लगाएंगे तो वो जरूरी नहीं है कि आपको खाना है उस दिन ठीक है आप एकादशी फास्टिंग रखोगे आप वो महाप्रसादम आपको क्या करना है या फिर आप उस, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो नहीं रख रहे हैं फास्टिंग उनको कर दो नहीं सबसे अच्छा आइडिया ये है कि उस दिन उसको बचा के रख लो फ्रिज में रख दो या उसको बचा के रखो और उसको नेक्स्ट डे आप आप खा सकते हो तो वो आप प्रसादम ले सकते हो ठीक है तो नेक्स्ट आता है आपका कि एकादशी तो आप दिन जान लिया तो एकादशी है कौन एकादशी एकादशी बहुत सारा अभी हमने सुना तो एकादशी के बारे में हम जानेंगे कि एकादशी ही कौन क्यों हमें एकादशी का फास्टिंग इतना इम्पोर्टेंट भगवान ने बताया तो इसका मैं बहुत जल्दी से आपको फास्ट टाइम बताऊंगी कि एक एक बार क्या होता है एक मूरा नाम का राक्षस होता है तो वो बहुत ही शक्तिशाली होता है उतना शक्तिशाली होता है कि वो सारे को सारे जो भी जो भी देवी देवताओं सबको परेशान कर रहा होता है सब परेशान होके क्या करते हैं भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु बहुत क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि चलो हम चलेंगे अब मूरा डीमन के जो राज्य है उस वहां जाएंगे वहाँ जाते हैं तो बहुत युद्ध होता है भगवान भगवान और मूरा जो मूरा था उस राक्षस उसके बीच में होता है और जो भी और भी राक्षस थे उनके और देवी देवताओं के बीच में बहुत युद्ध हो रहा होता है तो भगवान बहुत थक जाते हैं युद्ध कर करके तो युद्ध कर करके थक जाते हैं तो क्या करते हैं कि भगवान हिमावती जो गुफा है उसकी तरफ भागते हैं जो कहाँ पे था वो भद्रिक आश्रम में सत्ययुग में बताया गया है पास तो वहां पे जाते हैं भाग के वहां पे जाके वहाँ वो रेस्ट करने लगते हैं तो भगवान रेस्ट करने लगते हैं तो उनके उनके अब शरीर से एक फॉर्म आता है एक एक शरीर आता है वो एक मही एक, एक जो फीमेल का शरीर होता है तो फीमेल का शरीर होता है तो जब राक्षस आता है दौड़ के वो मतलब गुफा में देखता है कि वो एक फीमेल है तो वो सोचता है ये क्या मेरा कर लेगी तो एक आ, महिला है क्या कर लेगी ऐसा करके वो सोचता है वो उसको नहीं अंदाजा होता है कि वो कितनी शक्तिशाली है क्योंकि भगवान का वो फॉर्म है तो क्या होता है कि उन दोनों में युद्ध होता है तो दोनों में युद्ध होते होते तो जो मैं, जो फीमेल फॉर्म था फॉर्म थी उन्होंने वो क्या करती है उनका उसका गला काट देती है और उसका वध कर देती है और फिर वो डायरेक्ट वो यमराज लोग पहुंच जाता है जब भगवान उठते हैं तो देखते हैं कि जो अः मूरा दीमन है उसका वध हो गया होता है और जो जो फीमेल फॉर्म थी वो भगवान को प्रणाम करती है तो भगवान बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप मांगो आपको क्या चाहिए जब भगवान खुश होते हैं तो वो ऐसे बेन, बेन, बेनिफिक्शन देते हैं आपको बूंद देते हैं तो वो बोलती हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि आज के दिन मेरा यहाँ पे अवतरित हुई हुई मैं तो आज के दिन मैं चाहती हूँ कि जो भी अन्न अन, अन नहीं खाएगा जो भी एक टाइम खाली खाएगा जो भी भगवान की भक्ति इस दिन करेगा तो उसको आप कुछ बेनिफिट दीजिए तो भगवान ये खुश होके बोलते हैं कि आज से मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जो भी आज के दिन जिस दिन तुम्हारा अफ, जो अवतरित हुई हो जिस दिन आज के दिन जो भी फास्ट रखता है अन्न नहीं खाकर और एक टाइम खाता है और भगवान की भक्ति करता है मेरा नाम जप करता है भागवतम पढ़ता है भगवत गीता पढ़ता है तो उसको उसके सारे पाप को मैं खत्म कर दूंगा और उसको ये बेनिफिट मिलेगा कि वो मेरे धाम वापस आएगा तो ये प्रॉमिस करते हैं और इस क्योंकि आज के दिन तो अवतरित जो, जो 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 कि कि इलेवेंथ डे ऑफ बैनिंग मून था तो उस दिन वो जन्म ली थी वो फीमेल जो फॉर्म है तो इसीलिए उस उनका नाम एकादशी भगवान ने रखा तो ये थी एकादशी की ये तो फास्ट कैसे ब्रेक करना है फास्टिंग तो हो गया तो ऐसा होता है कि सूर्योदय से स्टार्ट होता है फास्टिंग और सूर्योदय पे मतलब खत्म हो जाता है तो जैसे आपका मॉर्निंग में जब सूर्य उदय हो जाता है तब तो वो स्टार्ट होगा और जैसे नेक्स्ट डे सूर्योदय होगा तो उस दिन खत्म हो जाता है तो जैसे सूर्योदय होगा आपको आपका फास्ट खत्म होगा लेकिन सूर्योदय से पहले आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है नहीं तो अगर आप खा लेते हो मतलब अन्न खा लेते हो सूर्य नहीं निकला है तब भी अन्न खा लेते हो तब भी आपका फास्ट पूरा नहीं होगा तो ये आपको ध्यान रखना है तो सूर्योदय होने के बाद आप कुछ भी खा सकते हो भगवान का प्रसाद अन्न अन्न से आप फास्ट अपना तोड़ सकते हैं तो क्या क्या फूड नहीं खाना है तो अन्न मैंने मैंने बोला फूड ग्रेन्स नहीं लेना है बीन्स नहीं लेना है फिर उसके बाद आ, ये सब आपको खाना है आप स्पाइसेस यूज कर सकते हो कुकिंग के लिए बस आपको मस्टर्ड सीड जो होता है वो आपको नहीं लेना है वो अवॉइड करना है और हिंग जो होता है हींग में कहा जाता है कि ग्रेन्स होता है वो आपको नहीं खाना है और तिल होता है ना सीसेम सीड वो भी नहीं वो भी अवॉइड करना है आप आपको जो भी घी ले रहे हो या ऑयल लेते हैं ऑयल में हम वो सोयाबीन uh, ऑयल ये सब यूज नहीं कर सकते आप जो भी ऑयल ले रहे हो वो ऑयल और घी ना ले जो जिसमें आपने जब आप जब आप रेगुलर कुकिंग करते हो चपाती का हाथ लगाया है या फिर आपका हाथ उसमें टच हो गया है तो वो आपको एकादशी के दिन यूज नहीं, नहीं करना है एकादशी के नेम्स है ये मैं आपको सेंड कर दूंगी कि क्या क्या एकादशी का नाम होता है और कितना एकादशी आता है तो ये आपको मैं सेंड कर दूंगी तो नेक्स्ट आता है कि हमें एकादशी के दिन हमें एकादशी का जो भी अभी अलग अलग नाम से एकादशी आता है उसके बारे में हमें पढ़ना है बेन, बेन, जो भी उनकी जो भी एकादशी का बेनिफिट्स होगा उसमें हमें बोले दिन मिले ठीक okay? है तो अब आएगा एक आता है निर्जला एकादशी निर्जला एकादशी में आप क्या कर सकते हो चांस किसी का गलती से फास्ट नहीं रख पाए हैं वो हमें 24 एकादशी पूरा तो एका, सकते हो क्योंकि पांच पांडव में आते हैं वो क्या करते थे उनको भूख बर्दाश्त नहीं होता था क्योंकि उनके अंदर जो भूख की मतलब जो भूख की अग्नि होती है ना वो थी तो उसलिए उनको भगवान ने बताया था कि तुम एक एकादशी करो निर्जला तो तुम्हारे चौबीसों एकादशी का तुम्हें फल मिलेगा लेकिन हमें वैसे नहीं करना है हमें पूरा चौबीस करना है हम भीम नहीं है तो हम हमें भीम की तरह फॉलो नहीं करना हमें चौबीस एकादशी करना है लेकिन अगर गलती से छूट जाए तो आप ये निर्जला कर सकते हो अगर गलती से नहीं भी छूटा है आप चौबीस के साथ ये भी कर सकते हो जो जून में आता है ये एकादशी ठीक है अब प्योरिटी क्या रखना है जब आपका मेन्सुरेशन टाइम है लोग आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आप अगर आप मुछी रहते हैं आपका मेंसुरेशन आता है या कोई आपके फैमिली में किसी का देहांत हो जाता है या आपका न्यू बॉर्न आपका बच्चा जन्म लिया है किसी के आपके घर में कोई बच्चा जन्म लिया है तो उस दिन एकादशी लोग बोलते नहीं करना चाहिए एकादशी आप कर सकते हो चैंटिंग भी कर सकते हो लेकिन बस भोग भोग नहीं बना सकते और उस दिन ज्यादा से ज्यादा आप चैंटिंग करिए और ज्यादा अपने आप को प्योर आप इसी तरीके से आप कर सकते हो एकादशी के दिन मिथ क्या होता है कि लोगों को बहुत सारे बहुत सारा ये दिमाग में बहुत सारा ये है कि हमें बारह एकादशी रखना चाहिए चौबीस नहीं रखना चाहिए क्योंकि बारह और जो बारह एकादशी होते हैं उसमें भगवान विष्णु सो रहे होते हैं तो हम हमारे लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर हम बारह अंधेरा वाला होता है तो हमें नहीं रखना है ये गलत है हमें चौबीस का चौबीस एकादशी रखना है जो भगवान विष्णु ने हमें बताया है उस दिन लोगों के मन में ये भी आता है क्वेश्चन की हम चपाती तो खा सकते हैं राइस से हमें नहीं खाना है नहीं ऐसा नहीं मतलब मैंने जैसे बताया चपाती और राइस दोनों होगा फिर आता है कि एकादशी बच्चों के लिए नहीं है नहीं बच्चे भी कर सकते हैं सब कोई कर सकता है तो यहाँ पे हम अपना सेशन कंप्लीट करेंगे तो किसी के भी कोई प्रश्न है क्वेश्चंस हैं तो आप बता सकते हैं तो इस वैसे